स्क्रीन शेयर, इसको शेयर करेंगे जी। ये ठीक है। और बस अब सर स्मार्ट वीडियो कीजिए जी। इसमें माइक का सिस्टम कौन सा है? डायरेक्टली सर ये बटन दो तो स्टार्ट हो गई। मीटिंग सर ओके सवा 12 बजे है ठीक है। हो गया ना सिस्टम में सवा 12 सुना। अच्छा जी ये कौन सा लोकल है अपनी मैडम अलीका? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो है परचेजिंग मैनेजमेंट। इसके जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे चैप्टर के अंदर, उसमें सबसे पहले डिस्क्राइब द रोल ऑफ परचेजिंग एंड अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ मैनुअल परचेजिंग एंड प्रोक्यूरमेंट, understand and know how to handle a small value purchase orders. Next, understand sourcing decision and other forcing impact on supplier selections. Understand the pros and cons of single versus multiple sourcing. Describe centralized and decentralized and hybrid purchasing organization and their advantages. Describe and understand how globalization impacts purchasing and describe and understand the opportunities and challenges of global sourcing. Understand total cost of ownership and be able to select suppliers using more than unit price alone. चैप्टर टू आउटलाइन जो हमारे पास है इसके अंदर द रोल ऑफ परचेजिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कवर करेंगे। परचेजिंग प्रोसेस भी हम फोकस करेंगे। सोर्सिंग डिसीजन, द मेक वर्सेस बाय डिसीजन, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है। रोल ऑफ द सप्लाई बेस, सप्लायर सिलेक्शन, हाउ मेनी सप्लायर टू यूज, परचेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज परचेजिंग, इंटरनेशनल परचेजिंग, ग्लोबल सोर्सिंग। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम फोकस करेंगे परचेजिंग, व्हाट परचेजिंग एक्चुअली इज। ऑब्टेनिंग मर्चेंडाइज, कैपिटल, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, सर्विस और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन सप्लाई इज एक्सचेंज फॉर मैनी ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। बुनियादी तौर पर चाहे बिजनेस मैनुफैक्चरिंग कंसर्न का हो, चाहे बिजनेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे बिजनेस सर्विसेज का हो, किसी भी बिजनेस के अंदर जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है बिजनेस की परचेजिंग का, और उसके बाद मरहला आता है सेलिंग का और रेवेन्यू का। अगर किसी भी बिजनेस की परचेजिंग ऑर्डिनरी या पुअर हो जाए तो बिजनेस कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिजनेस ना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो तो वो गुड्स की क्वालिटी मेंटेन नहीं रख सकता, सर्विसेज हो तो उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रख सकती, इवन नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी गुडविल डेवलप नहीं हो सकती। यही वजह है कि इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस इज परचेजिंग, और परचेजिंग का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर परचेजिंग इफेक्टिव नहीं हुई तो फर्दर प्रोसेस ऑफ बिजनेस कभी इफेक्टिव नहीं हो सकते। आमतौर पर बिजनेस में जो हम परचेजिंग करते हैं वो करते हैं नॉर्मली जो है मर्चेंडाइज की। हम मर्चेंडाइज में जब डीलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में डील करते हैं, तो हमारे यहाँ जो एक अहम परचेजिंग होती है बल्क क्वांटिटी में मर्चेंडाइज की। इक्विपमेंट की परचेजिंग की जाती है, डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के इनोवेटिव इक्विपमेंट हम परचेज करते हैं। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का है तो रॉ मटेरियल की परचेजिंग होती है, सर्विस का है तो डिफरेंट नॉइयर की मेंटेनेंस एंड रिपेयर परचेजिंग होती है, एंड ऑपरेशंस वगैरह है। तो सप्लायर एक्सचेंज फॉर मनी और इक्विवेलेंट, तो ये वो मुख्तलिफ डोमेन है जिसमें हम मुख्तलिफ परचेजिंग करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास परचेजिंग जो है दो तरह की होती है, एक होती है मर्चेंट बायर्स और एक होते हैं इंडस्ट्रियल बायर्स। मर्चेंट बायर हम उसे कहते हैं जो मिडिल मैन होते हैं,
जो कि नॉर्मली नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज होते हैं, इनका काम होता है मैन्युफैक्चर से गुड्स को रिसीव करना और कंज्यूमर और कस्टमर को उसको सेल करना, और इन द मेन टाइम वो अपना रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न करते हैं। मर्चेंट बायर होलसेलर एंड रिटेलर हु परचेज फॉर रीसेल। होलसेलर और रिटेलर जिनको मर्चेंट बायर या मिडिल मैन कहते हैं, इनका परचेजिंग का जो बुनियादी मकसद होता है वो रीसेल होता है, ताकि वो लो प्राइस पे परचेजिंग करके हाई प्राइस पे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सके। सेकेंड, इंडस्ट्रियल बायर परचेज रॉ मटेरियल और कन्वर्जन सर्विस कैपिटल इक्विपमेंट एंड सप्लायर। इंडस्ट्रियल बायर जो होते हैं वो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल खरीदते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं, कैपिटल एंड इक्विपमेंट। ये तमाम डोमेन हैं जो कि इंडस्ट्रियल बायर मुख्तलिफ नौयत में परचेजिंग करते हैं। द रोल ऑफ परचेजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग का जो है वो रोल क्या होता है, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले द प्राइमरी गोल ऑफ परचेजिंग आर, द फर्स्ट वन इज इंश्योर अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एट द लोएस्ट टोटल कॉस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बुनियादी मकसद परचेजिंग का होता है वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें नॉन स्टॉप कंटिन्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का दारोमदार डिपेंडेंसी होती है अवेलेबल मटेरियल पर, और अगर मटेरियल शॉर्ट हो जाए, जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं मैनुफैक्चरिंग में, तो पूरा ऑपरेशन ऑफ मैनुफैक्चरिंग स्टॉप हो जाता है, और इसके स्टॉप होने से जो है हमारी जो है मैनुफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारे अननेसेसरी एक्सपेंसिस में इजाफा होता है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होती है, प्राइमरी गोल है, वो है इंश्योर अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एट द लोअर टोटल कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट पे कंटिन्यूस बेसिस पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। सेकंड, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स एंड प्रोड्यूस एंड। आपको सेकंड जो हमारी गोल होती है परचेजिंग की वो होती है, हम अपनी फिनिश गुड्स यानी जो भी हम आउटपुट हासिल कर रहे हैं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस करें, ताकि हमारी गुडविल डेवलप हो और मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ सके। थर्ड जो गोल होती है हमारी वो होती है ऑप्टिमाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम किस तरीके से वो गुड्स, किस तरीके से वो सर्विसेज डेवलप करें कि जिससे हम कस्टमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल कर सकें। जितना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, उतनी हम कस्टमर लॉयल्टी अचीव करेंगे, और जितनी कस्टमर लॉयल्टी होगी उतनी हमारी गुडविल बढ़ती चली जाएगी। तो बुनियादी तौर पर ये तीन प्राइमरी गोल्स होती हैं, जिसमें पहला इंश्योर अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गुड्स फिनिश, एंड थर्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। द परचेजिंग कंट्रीब्यूट द टू दिस ऑब्जेक्टिव बाय। ये ऑब्जेक्टिव जो हम परचेजिंग के जरिए हासिल करते हैं उसमें फर्स्ट है एक्टिव सीकिंग बेटर मटेरियल एंड रिलायबल सप्लायर। बिफोर परचेजिंग डिसीजन हमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेने से पहले हमें फोकस करना पड़ता है मार्केट में अवेलेबल वैरायटी ऑफ मटेरियल्स और मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट सप्लायर्स। इन तमाम मटेरियल्स की क्वालिटी में कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी क्वालिटी हमारे लिए मैक्सिमम लेवल पर फेवरेबल होगी। तमाम सप्लायर के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सा सप्लायर हमारे लिए मैक्सिमम रिलायबल होगा। तो इसके लिए एक्टिवली सीकिंग बेटर मटेरियल एंड रिलायबल सप्लायर। सेकंड, परचेजिंग कंट्रीब्यूशन टू दिस ऑब्जेक्टिव बाय वर्क क्लोजली विद स्ट्रेटेजिक सप्लायर टू इम्प्रूव क्वालिटी मटेरियल एंड। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो हमारे स्ट्रेटेजिक सप्लायर हम उन सप्लायर को कहते हैं जिनकी
सप्लाई ऑफ मटेरियल या सप्लाई ऑफ गुड्स पे हमारा बिजनेस का मेजर पोर्शन डिपेंड कर रहा होता है, वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सप्लायर होते हैं। इन स्ट्रेटेजिक सप्लायर से जो हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए वो बहुत क्लोज होना चाहिए। जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा उतनी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होगी, और जितनी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होगी उतना ही ज़्यादा हम अपनी क्वालिटी को एनहेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। थर्ड, इन्वॉल्विंग सप्लायर एंड परचेजिंग पर्सनल इन न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलप एफर्ट। हमें इन्वॉल्व करना चाहिए सप्लायर एंड परचेजर की पर्सनल एंड न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, उनके नए प्रोडक्ट डिजाइन को और डेवलपमेंट को और उनकी एफर्ट्स को, जिससे हमारी प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट आएगी और हम अपनी प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस करने में कामयाब होते हैं। ये थे हमारे द रोल ऑफ परचेजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्राइमरी तीन रोल थे और उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो द परचेजिंग प्रोसेस मैनुअल परचेजिंग। परचेजिंग प्रोसेस में ट्रेडिशनली जो हमारे पास सिस्टम है वो है मैनुअल परचेजिंग, ऑर्डर सिस्टम प्रॉन टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड एरर। ये मैनुअल परचेजिंग तरीक़ाकार प्रोसीजर वो था जिसके अंदर जो है डुप्लीकेशन की पॉसिबिलिटीज होती थी, एफर्ट ज़्यादा होती थी और एरर की और अकर होने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा होती थी। इसके अंदर स्टेप वन मटेरियल रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन, स्क्रीनिंग प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड डिलीवरी ड्यू डेट आर क्लियरली। स्टेप वन के अंदर हमने देखा मटेरियल रिक्विजिशन एंड परचेज रिक्विजिशन डिवेलप की जाती है, स्क्रीनिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी क्वालिटी को सिलेक्ट किया जाता है एंड डिलीवरी की ड्यू डेट फाइनलाइज की जाती है ताकि ऑर्डर को फुलफिल करना पॉसिबल हो सके। स्टेप टू द रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ, बायर आइडेंटिफाई सप्लायर एंड इशू रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन, जिसमें बायर जो है सप्लायर को आइडेंटिफाई करता है, सर्च आउट करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है किस चीज़ की कोटेशन की। थर्ड स्टेप द परचेज ऑर्डर, द परचेज ऑर्डर इज द बायर ऑफर बिकम्स अ बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एक्सेप्टेड बाय सप्लायर। थर्ड स्टेप जो हमारा होता है जिसके अंदर हम प्रोसेस जो होता है परचेजिंग का, वो होता है कि बायर जो है ऑफर करता है बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लायर के साथ और फिर ये इसकी एक्सेप्टेंस पे ये एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे परचेजिंग प्रोसेस कंटेंट कि परचेजिंग जो प्रोसेस होता है इसके अंदर हमारे जो स्टेप कौन कौन से शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है सप्लायर्स, उसके बाद परचेजिंग, स्टोरेज वेयर हाउसिंग, यूजेज एक्विजिशन, अकाउंटिंग, फिर मटेरियल रिक्विजिशन MR1, मटेरियल रिक्विजिशन MR1, मटेरियल रिलीज अवेलेबिलिटी, मटेरियल रिलीज रिक्विजिशन MR1, परचेज ऑर्डर 1, परचेज ऑर्डर 1, इशू मटेरियल मटेरियल्स, डिलीवरी ऑर्डर 1, शिप मटेरियल डिलीवरी ऑर्डर 1 एंड देन मटेरियल्स एंड डिलीवरी ऑर्डर अगेन 1। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द चार्जिंग द अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट, जिसके जरिए हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये कहलाता है परचेजिंग प्रोसेस। परचेजिंग प्रोसेस कौन, इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट, ई प्रोक्रूटमेंट। हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस ऑफ परचेजिंग आता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्रूटमेंट, ई प्रोक्रूटमेंट, जिसका स्टेप वन मटेरियल यूजर इनपुट और मटेरियल रिक्विजिशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल यूजर इनपुट एंड मटेरियल रिक्विजिशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी एंड डेट नीडेड।
मटेरियल यूजर का जो इनपुट इसके अंदर रिपोजिशन की सूरत में शामिल होता है, इंफॉर्मेशन क्वांटिटी से रिलेटेड होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी डेट से रिलेटेड होती है जिसकी बुनियाद पर ऑर्डर के अंदर क्लैरिटी पैदा होती है। स्टेप टू, मटेरियल रिक्विजिशन सबमिटेड टू बायर एट परचेजिंग डिपार्टमेंट हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिकली। सेकेंड स्टेप में हम जो है फिर इस मटेरियल ऑर्डर को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं सप्लायर की तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ, ताकि उसको फर्दर आगे इन्हेंस किया जा सके। स्टेप थ्री, बायर असाइन क्वालिफाइड सप्लायर टू बिड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्लोजिंग डेट एंड कंडीशन आर गिवन। फिर जो है हम बायर जो है एज क्वालिफाइड सप्लायर को बिड के लिए ऑफर करते हैं और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उसके अंदर डिटेल में होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ये तमाम डिटेल, उसके फीचर, क्लोजिंग डेट कब ये बिड क्लोज होगी एंड कंडीशन जो हम उसमें अकॉर्डिंग टू बिड ऐड कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप होता है बायर रिव्यू क्लोज बिड एंड सिलेक्ट सप्लायर। ई प्रोक्यूटमेंट में फिर फोर लास्ट स्टेज होता है जिसमें बायर को फिर हम रिव्यू करते हैं और फिर क्लोज बिड को एनालाइज करके हम फाइनल अपने सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए इस सर्कम टेंसेस में आइडियल होता है। परचेजिंग प्रोसेस कौन, परचेजिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारे एडवांटेजेस ऑफ द ई प्रोक्यूटमेंट है उसमें सबसे पहला एडवांटेजेस है वो है टाइम सेविंग। जब हम ट्रेडिशनल परचेजिंग से ई प्रोक्यूटमेंट की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर जो हमें सबसे पहला फ़ायदा होता है वो होता है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है। और टाइम सेव होने से क्या होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस हो जाती है और हम कम वक्त में ज़्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ ई प्रोक्यूटमेंट है कॉस्ट सेविंग। जाहिर सी बात है जब हम ई प्रोक्यूटमेंट करते हैं तो हमारी जो अननेसेसरी कॉस्ट है वो हम उससे बच जाते हैं और हम वो तमाम नेसेसरी इसमें कॉस्ट इंकर्ड होती है जो कि ऑर्डर के एग्जीक्यूशन से लेकर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट तक इंतहाई बेसिक कॉस्ट होती है। तो इस तरह हम अपनी कॉस्ट को सेव करने में कामयाब हो जाते हैं। थर्ड है एक्यूरेसी। एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल परचेजिंग जब हम ई प्रोक्यूटमेंट की तरफ जाते हैं तो हमारे एरर की एक्यूर होने की, एरर के डेवलप होने की पॉसिबिलिटी इंतहाई मिनिमाइज हो जाती है और यही वजह है कि ऑर्डर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और ऑर्डर की एक्यूरेसी बढ़ने से एरर आमतौर पर परचेजिंग या रिक्रूटमेंट में डिलीवरी डेट से रिलेटेड होते थे, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड होते थे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड होते थे, तो ये एरर की एक्यूरेसी रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रियल टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पॉसिबल होता है क्योंकि ई प्रोक्यूटमेंट में कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंतहाई आसान होती है और जिसकी वजह से हमारे जो है रियल टाइम पे अवेलेबिलिटी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट मोबिलिटी, इंतहाई मोबिलिटी कन्वीनियंट होती है जिसकी वजह से जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्डर बढ़ जाती है। ट्रैकेबिलिटी, ऑर्डर को ट्रैक करना इंतहाई आसान होता है। हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने से डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट का मुख्तलिफ स्टेजेस पर ट्रैक करते हैं कि ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो रहा है और ऑर्डर की रिसीविंग जो है एक्चुअल डेट पर किस तरह होगी, तो उसकी ट्रैकेबिलिटी बड़ी आसान होती है। मैनेजमेंट, ई प्रोक्यूटमेंट के ज़रिए हम जो है मैनेजमेंट ऑफ परचेजिंग बहुत आसानी से करते हैं और इस तरह हमारी मैनेजमेंट ऑफ परचेजिंग की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में इजाफा होता है। बेनिफिट टू द सप्लायर, ई प्रोक्यूटमेंट सिर्फ परचेज बायर के लिए नहीं बल्कि सप्लायर के लिए बहुत फेवरेबल है क्योंकि एक सप्लायर कम वक्त में बहुत ज़्यादा कस्टमर और बहुत ज़्यादा क्लाइंट को डील करने की पोजीशन में होता है और सेम एडवांटेजेस ये सप्लायर के लिए भी होते हैं कि वहाँ पे एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, रियल टाइम पर डिलीवरी होती है और मैनेज करना उसको इंतहाई एफिशिएंट और इफेक्टिव होता है। स्मॉल वैल्यू परचेज ऑर्डर, अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्मॉल वैल्यू परचेज ऑर्डर की। प्रोसेसिंग कॉस्ट कैन बी
सबटाइटल स्मॉल वैल्यू परचेज शुड बी मिनिमाइज थ्रू आउट। हमें अपनी स्मॉल परचेजिंग को मिनिमाइज करना चाहिए इन गिवन टेक्निक्स के जरिए, जिसमें सबसे पहले है प्रिक्रूटमेंट क्रेडिट कार्ड, कॉरपोरेट परचेजिंग कार्ड। जब हम प्रिक्रूटमेंट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए करते हैं या कॉरपोरेट परचेजिंग कार्ड के जरिए करते हैं, तो हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है और हम स्मॉल परचेजिंग ऑर्डर से बच सकते हैं। ब्लैंक चेक और परचेज ऑर्डर, हम ब्लैंक चेक्स को भी मुख्तलिफ टाइम में यूज करते हैं। हम ब्लैंक चेक को मुख्तलिफ टाइम में यूज करते हैं और इसके जरिए जो है रिक्रूटमेंट क्रेडिट कार्ड, कॉर्पोरेट परचेजिंग कार्ड के जरिए हम अपने जो है स्मॉल परचेजिंग से बचते हैं। ब्लैंक चेक एंड परचेज ऑर्डर, ब्लैंक चेक्स को भी डिफरेंट कंडीशन और नाइज में यूज किया जाता है जिसके जरिए परचेज ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ब्लैंकेट और ओपन एंड परचेज ऑर्डर, ब्लैंकेट और ओपन एंड परचेज ऑर्डर के जरिए भी हम स्मॉल परचेज ऑर्डर को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्टॉकलेस बाइंग और सिस्टम कॉन्ट्रैक्टिंग, स्टॉकलेस बाइंग और सिस्टम कॉन्ट्रैक्टिंग वो प्रोसीजर है जिसके जरिए हम फ्रीक्वेंटली अपनी परचेजिंग को डेवलप कर सकते हैं। पिटी कैश फंड डेवलप किया जाता है पिटी कैश का, जिसके जरिए हम एक फंड जनरेट करते हैं और उसकी बुनियाद पर जो हमारी स्मॉल परचेजिंग फ्रीक्वेंटली होती है उसको सेपरेटली फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैटर्स एंड कंपोनेंट्स, हम अपने स्टैंडर्ड्स को यूज करके सिंप्लीफिकेशन मेथड को यूज करके अपनी स्मॉल परचेजिंग को मैनेज करते हैं। एक्यूमुलेटेड स्मॉल ऑर्डर टू क्रिएट अ लार्ज ऑर्डर, मुख्तलिफ स्मॉल ऑर्डर की जगह मर्ज करके हम एक लार्ज ऑर्डर की शक्ल दे सकते हैं जिससे हम स्मॉल परचेजिंग से बच सकते हैं। यूजिंग अ फिक्स ऑर्डर इंटरवल, और हम टाइम फ्रेम को डिवाइड करके मुख्तलिफ स्टेप में अपने ऑर्डर को मर्ज करके इंटरवल की सूरत में एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे हम स्मॉल ऑर्डर से बच सकते हैं। स्मॉल वैल्यू परचेज ऑर्डर, दरअसल स्मॉल ऑर्डर वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेजिंग नेसेसरी भी होती है और हेडिंग भी होती है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी और अमाउंट कम होता है और उसकी एग्जीक्यूशन लाजमी होती है। तो ये हमें इस तरीके से टेक्निक को यूज़ करके हम इनको मैनेज और हैंडल कर सकते हैं। सोर्सिंग डिसीजन, द मेक बाय डिसीजन, इन बिजनेस के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अंदर एक बुनियादी डिसीजन ये होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड ये डिसीजन लेते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट के तमाम पार्ट्स खुद बनाने चाहिए या ये पार्ट्स बने बनाए मार्केट किसी और से मैन्युफैक्चर करवा के हमें फिनिश गुड्स के फॉर्म में परचेज करने चाहिए। इस एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऑटो इंडस्ट्री में बिल्फर्स पर्सन सुजुकी वाले गाड़ियां बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी गाड़ी यानी व्हीकल्स के लिए टायर्स भी खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, उसकी सीट भी खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, या उनको अपनी प्रोडक्ट का जो मेन एरिया, जो मेन फंक्शनल एरिया है जैसे कि गाड़ी का इंजन, गाड़ी की बॉडी, इस पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसे में डिसीजन उन्हें ये लेना होगा कि टायर्स एंड सीट्स उन्हें बनी बनाई किसी और से मैन्युफैक्चर करवा के फिनिश गुड्स के फॉर्म में परचेज कर लेना चाहिए या उन्हें खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो ये डिसीजन उनका जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहलाते हैं, इसको कहते हैं द मेक और बाय डिसीजन, कि हमें खुद बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए। यहाँ पे अहम पॉइंट है आउटसोर्सिंग, buying material and components from supplier instead of making item in house, the trend has moved towards outsourcing. مختلف material یا مختلف parts یا مختلف components کو خود بنانے کے بجائے جب ہم کسی اور سے manufacture کروا کر finished good form میں ہم خرید حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمارا step کہلاتا ہے outsourcing. आउटसोर्सिंग के हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं।
कि हम जो है आउटसोर्सिंग जब फैसिलिटीज अवेल करते हैं तो उससे हमारा कंसंट्रेशन टुवर्ड द मेन फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्ट की कंपिटिटिव स्ट्रेंथ में इजाफा हो सकता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये वो स्ट्रेटेजी जिसमें हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए रेफर टू एक्वायरिंग सोर्स ऑफ सप्लाई, जिसमें हम एक्वायरिंग करते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई को और उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और इस तरह हम उसकी वो तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं जो कि हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में इजाफा करती है। सेकेंड स्ट्रेटेजी हमारे पास होती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, रेफर टू एक्वायरिंग कस्टमर्स ऑपरेशन, जिसमें हम मैक्सिमम लेवल पर अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट करते हैं और इस तरह हम करंट मार्केट इंफॉर्मेशन और नॉलेज को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। द मेक और बाय डिसीजन इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये बुनियादी तौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है क्योंकि इस डिसीजन की टाइम फ्रेम जो है लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। सोर्सिंग डिसीजन द मेक और बाय रीजन फॉर बाइंग और आउटसोर्सिंग, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम आउटसोर्सिंग करते हैं पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, वो क्या रीज़न है जिनकी बुनियाद पर हमें वो डिसीजन लेना पड़ता है। इसके अंदर सबसे पहला बुनियादी रीज़न है कॉस्ट एडवांटेज, स्पेशली फॉर कंपोनेंट दैट आर नॉट वाइटल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। आपकी प्रोडक्ट के खास तौर पर वो कंपोनेंट जो रेलिवेंसी नहीं रखते आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से, ऐसे पार्ट्स और ऐसे एलिमेंट को बजाय खुद मैन्युफैक्चर करने के हमें जब हम बाहर से उसको फिनिश गुड फॉर्म में परचेज करते हैं तो हमारी सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कॉस्ट एडवांटेज। यानी अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करते तो कॉस्ट ज़्यादा होगी और अगर हम जब उसको फिनिश गुड फॉर्म में परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। सेकेंड, इनसफिशिएंट कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन की जो टेरिटरी या जियोग्राफिकल लोकेशन और उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और हम मज़ीद कैपेसिटी इन्हेंस या अरेंज नहीं कर सकते तो बजाय उस कैपेसिटी को मज़ीद कंजस्टेड करने के हम उसे आउटसोर्स कर दें। फर्म में नॉट हैव द नेसेसरी टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज, कैपेसिटी के बाद जो दूसरा मरहला आता है लैक ऑफ एक्सपर्टीज, यानी हमारी प्रोडक्ट का वो एलिमेंट या वो पार्ट्स जिसको बनाने के लिए ना तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, ना करंट नॉलेज है, ना इंफॉर्मेशन है, ना प्रोसीजर टेक्निक्स है। तो ऐसे में अगर हम उसको बनाने का इरादा प्लान करते हैं तो हमारी उस एलिमेंट ऑफ पार्ट्स की क्वालिटी कम्प्रोमाइज हो सकती है, कॉस्ट में इजाफा हो सकता है, डिफरेंट नौयत के ऑपरेशनल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारे लिए आइडियल कंडीशन होती है कि हम फिनिश गुड फॉर्म में उसको परचेज कर लें। फोर्थ हमारे पास रीजन है क्वालिटी, सप्लायर हैव बेटर टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, स्किल्ड लेबर एंड एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक स्केल। ये बड़ा एक अहम स्टेप होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब अगर हम खुद बनाने की पोजीशन रखते भी हो, रिसोर्सेज, कैपेसिटी, एक्सपीरियंस, तो हमें देखना होता है कि सप्लायर के पास अगर हम बेहतर टेक्नोलॉजी है, जो वो बेटर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसका आउटपुट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं पहुँच सकते। सेकेंड, प्रोसेस, उसका प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा आइडियल है जिसकी वजह से उसके अचीवमेंट और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, उसके पास अवेलेबिलिटी और ह्यूमन रिसोर्सेज में इसकी लेबर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कि अगर हम उस प्रोडक्ट का कोई कंपोनेंट या पार्ट खुद प्रोड्यूस करते हैं तो हम सिर्फ अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हम जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे वो एक लिमिटेड होगी, जबकि सप्लायर हमारी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को सेम एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी जिससे उसको फ़ायदा इकोनॉमिक ऑफ स्केल यानी कॉस्ट एडवांटेज होगा और उसकी कॉस्ट इंतहाई मिनिमम होगी और मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा।
और क्वालिटी का वो लेवल हमारे लिए अचीव करना आसान नहीं होगा। सोर्सिंग डिसीजन के अंदर हमारे पास आता है द मेक वर्सेस बाय डिसीजन काम में रीजन फॉर मेकिंग। इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी, आपके पास जो रीज़न फॉर मेकिंग है, अगर आप प्रोडक्ट को बजाय फिनिश गुड फॉर्म में परचेज करने के खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बुनियादी रीज़न है वो है टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर जो है हम अगर टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को अवेल करना चाहते हैं तो हमारे लिए बेहतर है कि बजाय फिनिश गुड फॉर्म के खुद मैन्युफैक्चर करें। नो कॉम्पिटेंट सप्लायर मार्केट में जो एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट या कॉम्पिटेंट ऑफ प्रोडक्ट हम परचेज करना चाह रहे हैं, मार्केट में उसके सप्लायर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी सप्लायर की अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सप्लायर की स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, सप्लायर की क्वालिटी की स्टेबिलिटी रिलायबल नहीं है, तो ऐसे में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें खुद मैन्युफैक्चर करके इस इशू को कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड, बेटर क्वालिटी कंट्रोल, हमें मैक्सिमम लेवल पर अगर कुछ प्रोडक्ट के एलिमेंट्स और पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी क्वालिटी के अंदर लिटिल बिट इंक्रीज और डिक्रीज अफोर्डेबल नहीं होता और मैक्सिमम क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी होता है, तो हम ऐसे में बजाय फिनिश गुड फॉर्म में परचेज करने के खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर द यूज एग्जिस्टिंग आइडियल कैपेसिटी, जब हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है जो कि यूजलेस है और जब हम उसको एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट को खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसको आइडियल लेवल पर यूटिलाइज कर सकेंगे अपनी कैपेसिटी को, तो ये भी हमारे लिए आइडियल है कि बजाय फिनिश गुड फॉर्म में परचेज करने के हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करें। कंट्रोल ऑफ लॉजिस्टिक लेट टाइम ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट, जब हम लॉजिस्टिक पे मैक्सिमम लेवल पे कंट्रोल करना चाहते हो, जब भी हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं इट मीन टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी विच इज अचीव बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, और इसके ऊपर जब हम कंट्रोल मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बजाय फिनिश गुड फॉर्म में परचेज करने के खुद मैन्युफैक्चर करें। एंड लास्ट इज लोअर कॉस्ट, और जब हमें पता हो कि जो कंपोनेंट्स हम मार्केट से फिनिश गुड्स फॉर्म में परचेज करेंगे उसकी प्राइस हाई है और जब हम उसे खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमारे लिए आइडियल है कि बजाय मार्केट से परचेज करने के, सप्लायर से परचेज करने के, हम खुद उसको मैन्युफैक्चर करें। यहाँ पर देखेंगे एक ग्राफ के जरिए सोर्सिंग डिसीजन मेक और बाय डिसीजन कौन, द मेक और बाय ब्रेक इवन एनालिसिस। अब अगर ऐसे ग्राफ को देखें तो इसके अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस की बुनियाद पर हम एडवांटेजेस को कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक हमारे पास ऑप्शन है बाइंग और एक हमारे पास ऑप्शन है मेक, और इन दोनों के दरमियान हम देख सकते हैं कॉस्ट के रिलेशनशिप को। यहाँ पर एक तरफ हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी कि हमारी जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो जिस स्पीड से ग्रेजुअली हम उसकी क्वांटिटी में इजाफा कर रहे हैं तो हमारा मेक वर्सेस बाय डिसीजन चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स कम होती चली जा रही है तो हमारा डिसीजन अगेन चेंज हो रहा है। यानी इसको आसान वर्डिंग में अगर हम इसको इलस्ट्रेट करें तो ये ऐसे है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का वो कंपोनेंट, वो एलिमेंट जो आप बनाना या ख़रीदना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी कम आपको, यानी कम क्वांटिटी की ज़रूरत है, तो आपके लिए फेवरेबल स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये है कि बजाय इसको मैन्युफैक्चर करने के मार्केट से बना बनाया ख़रीदें, फिनिश गुड फॉर्म में परचेज करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में आप जो है बजाय मार्केट से परचेज करने के उसको खुद मैन्युफैक्चर करें।
इससे आपको कॉस्ट एडवांटेज हासिल होगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स के कम होगी और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रेक इवन जो हमारा है यहाँ पर, मेक ऑप्शन इज मोर कॉस्ट एफिशिएंट। यहाँ पे हमारा जो एक एरो का निशान दिखा रहा है कि बाय एंड मेक ऑप्शन के अंदर जो है हमारा मेक ऑप्शन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है मेक ऑप्शन इफेक्टिव होता चला जा रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी कम हो रही है बाय ऑप्शन इज मोर कॉस्ट एफिशिएंट, क्योंकि अब क्वांटिटी की नीड कम है तो हम बजाय मैन्युफैक्चरिंग करने के हमारा बाय ऑप्शन जो मोर इफेक्टिव होता चला जा रहा है। तो इसके जरिए हम हेल्प ले सकते हैं अपने मेन स्ट्रेटेजिक डिसीजन की कि हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए या हमें प्रोडक्ट मार्केट से फिनिश गुड फॉर्म में परचेज करनी चाहिए। रोल्स ऑफ सप्लाई बेस्ड। सप्लाई बेस्ड सप्लायर दैट अ फर्म यूज टू एक्वायर इट्स मटेरियल सर्विस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। इसके बुनियादी तौर पर सप्लायर्स की जो फर्म जो यूज करती है, जो एक्वायर करती है डिफरेंट मटेरियल को, डिफरेंट सर्विसेज को हासिल करती है, सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड डिफरेंट इक्विपमेंट हासिल करती है, फर्म एम्फसाइज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सप्लायर अलायंसेस कंसोलिडेटिंग वॉल्यूम इनटू वन ऑफ फ्यूअर सप्लायर रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर सप्लायर बेस। फर्म जो एम्फसाइज करती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सप्लायर्स पर, उनके साथ जो है स्ट्रॉन्ग अलायंसेस डेवलप किए जाते हैं ताकि हम कंसोलिडेट कर सकें वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम्स को। उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम फीवर सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, स्मॉलर सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करें या ज़्यादा से करें। यहाँ पे जो फर्म एम्फसाइज करती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सप्लायर अलायंसेस, तो हम जो है इसमें जब लॉन्ग टर्म बेसिस पे सप्लायर से डील करने जाते हैं तो हम कई सप्लाई के बजाय लिमिटेड सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। प्रीफर्ड सप्लायर प्रोवाइड्स अर्ली सप्लायर इन्वॉल्वमेंट इंफॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट ट्रेंड इन मटेरियल प्रोसेसेस और डिजाइन information on the supply market, capacity for meeting unexpected demand, cost efficiency due to economic of scale. Preferred supplier provide जो हमारी एक expectation towards supplier होती है वो सबसे पहली होती है कि हमारी जो involvement, information sharing और मुख्तलिफ necessary knowledge sharing जो है वो early stage पर develop हो जाए। हमारे पास मार्केट की करंट इंफॉर्मेशन टूवर्ड सप्लायर ज़्यादा होनी चाहिए, कैपेसिटी मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड, हम डिमांड जो कि अनसर्टेन होती है जिसमें फ्लक्चुएशन होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, तो हम अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल करने की पोजीशन में हों। और अहम चीज़ होती है कि इकोनॉमिक स्केल की वजह से हमारी कॉस्ट सेव हो सके, हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाए। सप्लायर सिलेक्शन, ये पॉइंट्स हमें डिटरमाइन करते हैं कि जब हम सप्लायर के सिलेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमें किन चीज़ों को फोकस करके हमें सप्लायर का सिलेक्शन करना चाहिए, ये भी हमारे एक बुनियादी तौर पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन में से एक होता है। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सप्लायर इज कॉम्प्लेक्स एंड शुड बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। मार्केट में सप्लायर्स अगर कम हो या सप्लायर ज़्यादा हो, दोनों कंडीशन में ये डिसीजन लेना कि कौन सा सप्लायर हमारे लिए फ्यूचर में आइडियल होगा, ये डिसीजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है। इस डिसीजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो हमें फोकस करना चाहिए उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजीज,
कि जो हमारी प्रोडक्ट है या उसका जो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा सप्लायर मार्केट में हमारे लिए आइडियल होगा। सेटिंग विलिंगनेस टू शेयर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, जो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन हमारी प्रोडक्ट या उस एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसकी शेयरिंग टूवर्ड सप्लायर या सप्लायर हमसे या हम सप्लायर से किस हद तक कर सकते हैं और किस हद तक विलिंगनेस है उसकी शेयरिंग के लिए, ये भी डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर के लिए। थर्ड है क्वालिटी, किसी भी प्रोडक्ट या एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो हमारे लिए अहम चीज़ होती है उसकी क्वालिटी, जिसके ऊपर कंप्रोमाइज सर्विस नहीं किया जा सकता। तो हमें देखना होता है कि वो कौन सा सप्लायर है जिसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी है, यानी उसकी क्वालिटी के अंदर फ्लक्चुएशन या वेरिएशन ना हो, क्वालिटी जो उसकी रिलायबल हो और क्वालिटी में कोई चेंजिंग ना आती। फिर उस क्वालिटी के बाद आता है कॉस्ट, वो कौन सा सप्लायर है जिसकी जो है कॉस्ट मिनिमम है, जिसकी वजह से उसकी मार्केट में कम्पिटिटिव प्राइस है और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफे का सबब बन सकता है। नेक्स्ट होता है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी बहुत अहम फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर में। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सारे फैक्टर कंबाइंड होते हैं तो ये रिलायबिलिटी कहलाती है। और रिलायबिलिटी हमारे लिए बड़ी अहम होती है, इसकी बुनियाद पर हम डिटरमाइन करते हैं और कौन सा सप्लायर हमारे लिए आइडियल सप्लायर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर सिस्टम एंड साइकिल टाइम, कि हमारा जो ऑर्डर सिस्टम है या उसका जो साइकिल टाइम है वो क्या है। तो ये हमारे लिए बड़ा अहम है कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे अपनी परचेजिंग को टूवर्ड सप्लायर। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी, सप्लायर की कैपेसिटी टूवर्ड ऑर्डर फुलफिलमेंट क्या है, क्या वो हमारी अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल कर सकेगा फ्यूचर में, इसकी बुनियाद पर हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा सप्लायर हमारे लिए आइडियल तरीन है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, हमारे सप्लायर्स की जो एडवांस मीन ऑफ कम्युनिकेशन है वो यूज़ करता ही नहीं करता, उसकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी हाई होगी तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रिक्वेंटली होगी, जिससे हम मुख्तलिफ नॉइज़ की एरर एंड मिस्टेक से बचते हैं और हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में इजाफा होता है। तो सप्लायर की कैपेबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिकेशन भी मेन रीजन है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर में। नेक्स्ट लोकेशन, हमारा सप्लायर जो है वो उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, वो हमारे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखता है, कम डिस्टेंस रखता है, ये भी मेजर फैक्टर है डिसीजन टूवर्ड्स सप्लायर में। और लास्ट है सर्विस, हमारे सप्लायर तमाम जो सर्विसेज दे रहे होते हैं वो सेम नहीं है। सर्विसेज से मुराद एक फॉर इंस्टेंस सर्विस की बात कर रहे, रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो ये मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं जो ड्यूरिंग परचेजिंग आपको जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर सप्लायर अवेलेबल मार्केट में जो है तो उनमें हमें कंपेयर करना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो सप्लायर दे रहा है वो हमारे लिए आइडियल तरीन होता है। हाउ मेनी सप्लायर टू यूज़, यहाँ पे एक अहम डिसीजन ये आता है कि हमें कितने सप्लायर यूज़ करने चाहिए। तो हाउ मेनी सप्लायर टू यूज़ के अंदर हम देखते हैं सिंगल सोर्स और रिस्की प्रोपोजिशन, ऑल्दो ट्रेंड फीवर सोर्सेज अवॉइड सिंगल सोर्सेज, यानी यहाँ पे हमारी आर्गुमेंट ये है कि हमें परचेजिंग करते वक्त किसी एक सप्लायर को यूज़ करना चाहिए या कम सप्लायर को यूज़ करना चाहिए या ज़्यादा सप्लायर से बेनिफिट हासिल करने चाहिए। तो ये भी बड़ी कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट है और ये भी बड़ा एक बुनियादी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है कि हमें परचेजिंग के दौरान सप्लायर की क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि बार बार हमें डोमेन में नज़र आते हैं कि ज़्यादा सप्लायर हमारे लिए बार बार फेवरेबल होते हैं, बार बार हार्मफुल होते हैं, बार बार कम सप्लायर हमारे लिए फेवरेबल होते हैं और हार्मफुल होते हैं। रीज़न फीवर्स और सिंगल सप्लायर, ये वो रीज़न है जो डिटरमाइन करते हैं कि सप्लायर जो है सिंगल होने चाहिए या फीवर होने चाहिए, सप्लायर की तादाद कम से कम होनी चाहिए।
इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है टू इस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक अलायंस फ्यूचर में डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे सप्लायर्स जो है वो कम होने चाहिए या हमारे सप्लायर सिंगल होना चाहिए। नेक्स्ट, लेस क्वालिटी वेरिएबिलिटी। जो प्रोडक्ट या कंपोनेंट का प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी की वेरिएबिलिटी बहुत कम है, तो ऐसे में हमारे फोकस करना चाहिए कि बजाय बहुत ज़्यादा सप्लायर के कम या किसी एक सप्लायर को फोकस करें। लोअर कॉस्ट, जब परचेजिंग के दरमियान लोअर कॉस्ट बेनिफिट शामिल कर रहा हो तो जब हम डिफरेंट सप्लायर से परचेजिंग करते हैं तो वो ऑर्डर डिवाइड होने से हमारी परचेजिंग क्वांटिटी कम हो जाती है, और जब हम एक ही सप्लायर से वो तमाम क्वांटिटी खरीदते हैं तो हमें क्वांटिटेटिव क्वांटिटी एडवांटेज हासिल होता है जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी, जब हम कई सप्लायर से परचेजिंग करते हैं डिफरेंट सप्लायर से परचेजिंग करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन भी डिवाइड हो जाती है, और जब हम सेम सप्लायर किसी सिंगल से परचेज करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट और प्रोसेस, जब प्रोडक्ट या उसके प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक प्रोप्राइटरी होती है तो भी हमारे लिए फेवरेबल है के बजाय कई सप्लायर के डिफरेंट सप्लायर के किसी एक सप्लायर से परचेज करें। वॉल्यूम टू स्मॉल टू स्प्लिट, और जब हम जो एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम ही इतना कम है तो उसको डिफरेंट सप्लायर में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये तो बुनियादी रीज़न है जिसकी वजह से हमें सिंगल सप्लायर को यूज़ करना चाहिए। सेकेंड, हम आपको रीज़न फेवरिंग मोर देन वन सप्लायर, कि अगर हम सिंगल सप्लायर से ज़्यादा सप्लायर यूज़ करना चाहते हैं तो कौन से रीज़न है। इसके अंदर सबसे पहले है नीड कैपेसिटी, आपकी नीड्स कितनी है और आपकी कैपेसिटी कितनी है, कि आया आपकी नीड बहुत ज़्यादा है तो आप एक की जगह डेफिनेटली ज़्यादा सप्लायर को यूज़ करेंगे ताकि आपकी डिमांड के अंदर सर्टेनिटी क्रिएट हो सके। स्प्रिट रिस्क ऑफ सप्लाई इंटरप्शन, जब हम एक ही सप्लायर से परचेजिंग करते हैं तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि हमारा बिजनेस डिपेंडेंट हो जाता है हमारे सप्लायर्स के बिजनेस, और अगर सप्लायर किसी अनसर्टेनिटी को फेस करता है तो उसका असर इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस पर भी आता है और हमारा बिजनेस भी क्राइसिस की तरफ जा सकता है। और जब हम एक से ज़्यादा सप्लायर से परचेजिंग करते हैं तो हमारी रिस्क की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है, और इस तरह हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को यूज़ करने की पोजिशन में होते हैं। थर्ड, क्रिएट कंपटीशन, जब हम एक ही सप्लायर से परचेजिंग करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो कंपटीशन किल हो जाता है, और जब हम एक से ज़्यादा सप्लायर से परचेजिंग करते हैं तो मैक्सिमम ऑर्डर को अचीव करने के लिए उनके दरमियान कंपटीशन क्रिएट होता है। ये कंपटीशन बीइंग ए बायर हमारे लिए फेवरेबल होता है और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स और प्राइस ऑफ कंपोनेंट्स में काफ़ी फर्क आता है। इंफॉर्मेशन, जब हम एक ही सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट या परचेजिंग करते हैं तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड रहती है, और जब हम एक से ज़्यादा सप्लायर को डील करते हैं तो मार्केट की क्रॉस इंफॉर्मेशन डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें टाइम टू टाइम मिलती है जिससे हमारा इंफॉर्मेशन लेवल हाई होता है। रीज़न फेवरेट मोर देन वन सप्लायर में जो हमारा अहम रीज़न है, डीलिंग विद स्पेशल काइंड ऑफ बिजनेस, जब हम किसी ख़ास नौीयत के बिज़नेस में डील कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक बिजनेस में डील कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है कि इससे ज़्यादा सप्लायर को यूज़ करना, ताकि टाइम टू टाइम हम अपने उस कंपोनेंट या एलिमेंट की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकें और उसकी प्राइस को मिनिमाइज कर सकें। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है परचेजिंग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। परचेजिंग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो हमारे पास स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हम देखते हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज मार्केट कंडीशन, टाइप्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड।
अब यहाँ पे हमारे पास एक और डिसीजन हमें ये लेना होता है कि जब हम परचेजिंग कर रहे हैं तो हम उसको सेंट्रलाइज करें या डिसेंट्रलाइज करें। यहाँ पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज से मुराद ये है कि अगर यहाँ पर आसानी कन्वीनियंस के लिए एग्जांपल ले लेते हैं किसी बैंक की। एक बैंक है, जैसे कि बैंक नबीब है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो उन ब्रांचेज में यूज़ होने वाली मुख्तलिफ नौइयत की प्रोडक्ट को एक ऑप्शन तो ये है कि हर ब्रांच इंडिपेंडेंटली खुद परचेज डायरेक्ट कर ले, इसको हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज परचेज। और दूसरी कंडीशन ये है कि हेड ऑफिस अपनी तमाम 100 और 200 ब्रांचेज के लिए वो तमाम प्रोडक्ट परचेज करें जो वहाँ पे यूज़ होने हैं, और उसके बाद उसको डिलीवर कर दिया जाए अपनी ब्रांचेज में, तो ये कहलाएगी सेंट्रलाइज परचेज। तो हमें फोकस करना होता है कि हमारे लिए कौन सी परचेजिंग आइडियल है, सेंट्रलाइज परचेजिंग आइडियल है या डिसेंट्रलाइज परचेजिंग आइडियल है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के अंदर कंपैरिजन क्या है। सेंट्रलाइज परचेजिंग परचेजिंग डिपार्टमेंट लोकेटेड एट द फर्म कॉर्पोरेट ऑफिस मेक ऑल द परचेजिंग डिसीजन। जब हम सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ एक अहम डिपार्टमेंट बनाती है जिसका नाम होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट जो है डिसीजन लेता है परचेजिंग से रिलेटेड फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। तमाम ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए जो परचेजिंग डिसीजन है उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग इंडिविजुअल लोकल परचेजिंग डिपार्टमेंट सच एज प्लांट लेवल मेक देयर ओन परचेजिंग डिसीजन। जब हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को ये अख्तियार दे देते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू नीड खुद अपनी परचेजिंग करें, तो ये हमारी कहलाती है डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, और इसके जरिए वो इंडिपेंडेंटली अपने परचेजिंग डिसीजन खुद लेते हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल परचेजिंग डिपार्टमेंट। परचेजिंग सेंट्रलाइज वर्सेज डिसेंट्रलाइज, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं सेंट्रलाइज परचेजिंग में और क्या क्या एडवांटेज हासिल होते हैं डिसेंट्रलाइज परचेजिंग में। तो इसमें सबसे पहले एडवांटेजेस फॉर सेंट्रलाइज परचेजिंग, कंसनट्रेटेड वॉल्यूम। जब हम सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं लेवरेज परचेजिंग वॉल्यूम, तो हमारी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वॉल्यूम ऑफ परचेजिंग की तरफ, और हम ज़्यादा वॉल्यूम में परचेजिंग करने की कैपेसिटी में आते हैं जिससे हमें एडवांटेजेस हासिल होते हैं प्राय स्पेशल डिस्काउंट की जरूरत में। अवॉइड डुप्लीकेशन, जब हम सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं मुख्तलिफ नौइयत की डुप्लीकेशन जो कि डिसेंट्रलाइज परचेजिंग में अक्सर हमें देखने में आती है कि ऑर्डर की अननेसेसरी डुप्लीकेशन, एक ही ऑर्डर की ड्यू टाइम एग्जीक्यूशन, ये डुप्लीकेशन कहलाती है जो हमारे लिए टाइम एंड कॉस्ट की वेस्टेज का सबब बनती है। स्पेशलाइजेशन, जब हम एक स्पेसिफिक एंड मेन डिपार्टमेंट डेवलप करते हैं परचेजिंग, तो वहाँ पर काम करने वाले अपनी फील्ड के परचेजिंग के प्रोक्योरमेंट के बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं, और यही वजह है कि उनकी स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारी परचेजिंग मोर इफेक्टिव हो जाती है एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइज। लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जब हम सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा लोअर हो जाती है, क्योंकि बल्क क्वान्टिटी में एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उससे हमारी एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। नो कंपटीशन विद इन यूनिट्स, हमारी जो विद इन यूनिट्स कंडीशन होती है वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता, जिससे उसमें स्मूथनेस क्रिएट होती है। कॉमन सप्लाई बेस, और जो सप्लाई होती है इतनी कॉमन होती है, रूटीनली हो जाती है, और इस तरह जो है फ्रीक्वेंसी और एफेक्टिवनेस में इजाफा होता है। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अंदर जो हमारे डिसेंट्रलाइज परचेजिंग में एडवांटेजेस है क्लोजर नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट। जब हम डिसेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं तो जो डिपार्टमेंट जिसकी जो ज़रूरत होती है, जब वो खुद परचेजिंग डिसीजन लेता है, तो उसको उस कंपोनेंट्स
या फोल्डर की जो नॉलेज होती है वो परचेज डिपार्टमेंट के पास उनकी कंपेरेटिवली कम होती है। तो इससे ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से आपकी परचेजिंग में इजाफा होता है, इफेक्टिव परचेजिंग होती है। लोकल सोर्सेज नॉर्मली डिसअटैच परचेजिंग में हम लोकल सोर्सेज को यूज़ करते हैं जिससे हमें डिफरेंट नॉयर के एडवांटेजेस हासिल होते हैं। लैस ब्यूरोक्रेसी, और जब हम डिसअटैच परचेजिंग करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे जो है ब्यूरोक्रेसी बिहेवियर जो है वो कम होता है और हमारी सिंपल परचेजिंग हो जाती है। हाइब्रिड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बोथ डिसेंट्रलाइज एट द कॉर्पोरेट लेवल एंड सेंट्रलाइज एट द बिजनेस यूनिट लेवल मे बी वारंटेड। थर्ड जो हमारे पास कंडीशन कहलाती है वो हाइब्रिड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है जो इन दोनों को यूज करती है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। कॉर्पोरेट लेवल पे वो सेंट्रलाइज परचेजिंग करती हैं और बिजनेस यूनिट लेवल पे वो डिसेंट्रलाइज यूज करती हैं। इस तरह ये हाइब्रिड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज परचेजिंग एज कम्पेयर टू डिसेंट्रलाइज परचेजिंग ज़्यादा आइडियल होती है क्योंकि ये बहुत एडवांटेजेस हासिल कर लेती है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। नेक्स्ट हमारा जो अब सेशन होगा इसी परचेजिंग से रिलेटेड वो है इंटरनेशनल परचेजिंग ग्लोबल सोर्सिंग। इसको हम नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अल्लाह हाफिज़।